हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीट ब्लॉक्स के प्रोडक्ट्स के बारे में और इसको समझेंगे कि किस तरीके से पूरा जो है स्टेम बेस्ड लर्निंग एजुकेशन जो है वो काम करता है और ये आपके बच्चों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है और हमारे देश के लिए भी जो है किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके बच्चे जो है बुक्स पढ़ पढ़ के जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है निकाल देंगे, बट आखिर में जो है वो मतलब इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट लास्ट में जो है सब लोग क्या करते हैं कि भाई अब तो इसकी जॉब में कुछ मुझे आता नहीं है या तो मुझे जो करना था वो नहीं कर पाया, तो फिर वो क्या करते हैं बैंक के क्लर्क की जॉब में अप्लाई करते हैं या तो फिर रेलवे की जॉब में अप्लाई करते हैं, बट इनोवेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब यही हमारी एजुकेशन का वीकनेस है। तो आप अपने बच्चों को जो है मतलब अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। ये वीट ब्लॉक्स जो है स्टेम बेस्ड लर्निंग एजुकेशनल प्रोडक्ट्स है इसके अंदर, और किस तरीके से इसको यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अमित मोदी जी जो है फाउंडर एंड सीईओ है और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने बीटेक एमटेक किया है। तो चलिए अब जो है यहाँ पे वीट ब्लॉक्स के प्रोडक्ट की लिस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट किट है, एड ऑन ब्लॉक्स है और कंपोनेंट्स है। तो इसका जो है वेबसाइट भी है और मतलब एक एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड का, तो दोनों में से जो है बच्चे मतलब कर सकते हैं, बट बेसिकली जो है आप अगर हो सकता है तो एंड्रॉयड ऐप से ही जो है उनको कम्युनिकेट करवाएं, उसके अंदर अकाउंट कर क्रिएट करके उनको दे सकते हैं, जिससे कि नए नए चैलेंजेस जो आते हैं बच्चों को करने के लिए उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो है प्राइज भी विन कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनका जो है पूरा गेमिफिकेशन है, सोशल है, उसके अंदर दूसरे लोग जो है मतलब दूसरे बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वीट ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे हैं, वो भी मतलब जो भी अदर बच्चे हैं उनके वीडियोज़, उनके प्रोजेक्ट्स को देख के इंस्पायर होते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी जो है ऐप को हम नहीं देख रहे हैं, खाली अभी इसकी वेबसाइट में से क्या क्या काम की चीज़ें वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी बेसिक तीन किट है, उसमें सबसे बेसिक वाली यही किट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी जो है चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वायरलेस रिमोट कंट्रोल वाली किट है और एड्रिनो करके जो है उसकी स्टार्टर किट है। तो ये एक मतलब आपके बच्चे जो है ना उसमें क्यूरियोसिटी जब अच्छे से डेवलप हो जाए, दिमाग उसका चलने लगे कि भाई रोबोटिक्स के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर किस तरीके से काम किया जा सकता है, अलग अलग चीज़ें जो है ये सेम चीज़ों से अलग अलग चीज़ें कैसे बनाई जा सकती है, धीरे धीरे इसका माइंड डेवलप होगा, फिर वो एड्रिनो के अंदर जो है एड्रिनो जो भी आप बोले उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं और उसके प्रोग्रामिंग के अंदर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे जो है क्या क्या बना सकते हैं, ये स्टार्टर किट, और ये स्टार्टर किट का यूज़ करके यहाँ पे एयर हॉकी बना सकते हैं, फिर यहाँ पे जो है रोड रोलर बना सकते हैं, रेल वेगन बना सकते हैं, केबल कार, मार्बल आर्केड, इलेक्ट्रिक बाइक, ड्राइंग मशीन, जिराफे, वायर गेम। तो ये जो है इन लोगों ने स्टार्टर किट अगर ली है तो उस टाइप के बच्चों को जो है फिर वो कंपटीशन में जो है मतलब चैलेंजेस को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो बेसिक बता देते हैं कि भाई आपको ये प्रोडक्ट मंगवाने हैं और इसका यूज़ करके आप इस टाइप का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फिर बच्चों को वो करना होता है और अपने वीडियो सबमिट करना होता है और उस तरीके से ये काम करता है। तो फिर ये जो है मंचिंग स्पेरो से यहाँ पे ड्रमर रोबोट है, क्लैपिंग हैंड है, वायरलेस आरसी केबल है, सॉरी वायरलेस आरसी कार है। तो इसके अंदर जो है रिमोट कंट्रोल किट जो है ये वाली, वो भी हम समझेंगे ये कैसे काम करता है, ये वाली किट उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये अगर आप ये खरीद रहे हैं ना तो आपको फिर ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास ये और ये दोनों होना चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। फिर क्लैपिंग हैंड है, रेसिंग कार है, एंड्रॉयड रोबोट है, स्मार्ट ग्लास, स्नोमैन, रेल वैगन, मैजिशियन कार, लाइन फॉलोइंग रोबोट, एज अवॉइडर, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग। तो यहाँ पे अगर आपके पास बेसिक किट है तो आपको ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली क्योंकि बेसिक किट के अंदर ही ये सब आ जाता है, ये आ जाता है, फिर ये स्टडी लैंप आ जाता है। और अगर आपका कोई भी कंपोनेंट खो जाता है, ख़राब हो जाता है या तो फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हो चुका है और आपको और भी मतलब ये कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं तो आप अलग से भी इसको मंगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अलग अलग भी आप परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ गिफ्ट्स हैं, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए 1 रुपया इसके अंदर डालना है। अभी ये कैसे काम करता है वो मुझे भी समझना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रोडक्ट को डिटेल में देखते हैं कि जैसे कि बेसिक किट जो है इसकी, जो कि आपको सबसे पहले मंगवानी है तभी जो है आप मतलब सभी चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी बेसिक किट है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कार अलग अलग टाइप की बन सकती है, स्टडी लैंप बन सकता है, ये उसकी बेसिक किट है। इसके अंदर ये सब कंपोनेंट्स आते हैं, ये 2 मोटर्स आती है, बाकी इंफ्रारेड ये सब कुछ आता है, यहाँ पे डिस्टेंस ब्लॉक आता है, पावर ब्लॉक आता है, इन आउट ब्लॉक आता है, आउट ब्लॉक आता है, इनवर्ट, बज, लैंप, डार्क, और ये सब जो है ब्लॉक्स आ जाते हैं।
और बच्चे जो है इस तरीके की चीज़ें जो है इससे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे इसको बना रहे हैं, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है, उसका यूज़ करके बच्चे ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस जो बेसिक किट है उसका यूज़ करके रेसिंग कार बना सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक फोम शीट आती है जिसके अंदर ये सब कटिंग्स होते हैं, उसको जॉइंट करके जो है आपको इस तरीके का कार बनाना होता है। तो अगर आपके पास स्टार्टर किट है तो ये आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो ये 99 रुपीज़ जो है ना, ये फॉर्म शीट का कटिंग है उसका ही प्राइस है। और अगर आपके पास स्टार्टर किट नहीं है तो फिर आपको इसको बनाने के लिए जो है ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। तो टोटल आपको 995 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्टार्टर किट है, आप ये कार ऐसे ही बना सकते हैं। फिर इसके अंदर टच मी नॉट रोबोट है, तो डिस्टेंस ब्लॉक्स चाहिए होता है इसको बनाने के लिए, और जो कि बेसिक किट में आता ही है, तो इसको भी आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सेम तरीके से एज अवॉइडिंग रोबोट है, तो टेबल के ऊपर अगर आप अपनी कार को रख देते हैं तो टेबल से गिरेगी नहीं, वो मतलब जो है उसकी एज पे ही चलती रहेगी। तो इसके अंदर भी जो है डिस्टेंस ब्लॉक लगता है जो कि स्टार्टर किट में आता है, तो इसको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैजिशियन रोबोट किट है, इसके अंदर डार्क ब्लॉक जो है लगता है, तो वो भी स्टार्टर किट में आ जाता है। सेम तरीके से लाइन फॉलोअर रोबोट है, इसके अंदर डिस्टेंस ब्लॉक और इन्वर्ट ब्लॉक्स जो है लगता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है स्टार्टर किट में है, तो इसको भी आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सेम तरीके से ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट है, तो उसके अंदर डिस्टेंस ब्लॉक और इन्वर्ट ब्लॉक लगता है, तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो एक ही किट के थ्रू जो है आप ये सभी चीज़ों को बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, एक एक चीज़ को ऐड करके, एक एक कंपोनेंट को ऐड करके। फिर यहाँ पे स्टडी लैंप जो है, स्मार्ट स्टडी लैंप, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है बेसिक किट के अंदर, ओके। और उसके बाद आता है एड्रिनो किट। तो ये आपको जो है एक्चुअल में ये प्रोडक्ट को मैं लास्ट में जाने देता हूँ। ये आप अभी जो जितने भी मैं चीज़ें को दिखाऊंगा ना, वो सब करने के बाद आप एड्रिनो के अंदर जाएं अपने बच्चों के लिए, उसको उस चीज़ के अंदर डाइवर्ट करें। फिर आता है वायरलेस रिमोट कंट्रोल किट, इसके अंदर ये ट्रांसमीटर और रिसीवर आता है, बाकी पावर ब्लॉक्स आते हैं और ये मोटर्स आती है। तो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने अभी इसके ऊपर के टोटल दो प्रोडक्ट्स, या तो आई थिंक तीन प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो अगर आप ये ख़रीदते हैं ना, तो फिर आपको ये वाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि इसके अंदर जो है अगर आप ये लेंगे, इसके अंदर भी जो है ये ट्रांसमीटर रिसीवर आ जाएगा, और इसके अंदर भी जो है ट्रांसमीटर रिसीवर आता है, ठीक है ना। तो फिर आपको दो दो ट्रांसमीटर रिसीवर की ज़रूरत नहीं है, आप जो है एक से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस किट ऑल्सो कंटेन एक्स्ट्रा पावर ब्लॉक्स, वायरलेस रिमोट कंट्रोल ब्लॉक्स इंक्लूसिव दिस टू ब्लॉक्स। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास बेसिक किट है और ये वाली किट है, तो फिर आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। मतलब ये मोटर जो है, मोटर वोटर वो सब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और ये पावर ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है, बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। बैटरी तो मुझे लगता है ख़रीदनी पड़ेगी, तो अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, लोकल से भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी बैटरी है। मेरे हिसाब से एवरेडी की बैटरी आती है 35-30 रुपीज़ की, ओके। सेम तरीके से जो है ये वाली अगर आप कार बना रहे हैं ना, तो फिर आपको जो है ये वाला हमने देखा था, ये किट खरीदने की ज़रूरत है। ये मतलब दोनों में से कोई भी आप मतलब ख़रीद रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि खाली जो इसका कटिंग है ना, उसको भी अलग से बेचना चाहिए 99 रुपीज़ में, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर ये तीन चीज़ हम खरीदते हैं ना, तो टोटल हमारे पास तीन रिमोट कंट्रोल किट होती है, जिसकी एक्चुअल में इतना खर्चा करने की बच्चों को ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर मतलब ये मोदी जी जो है, अमित मोदी जी वो देख रहे हैं, तो उसको मतलब आगे जाके उसको भी सोचना चाहिएगा। और अगर ये रिमोट कंट्रोल कार बनानी है, रोड रोलर बनाना है, तो इसका जो फॉर्म शीट कटिंग होता है ना, उसको अलग से बेचना चाहिए, ओके। फिर जो है अब अगर आपके पास जो है बेसिक किट है, तो फिर आपको ये सर्वो वन सर्वो टू जो है आई थिंक खरीदना पड़ेगा। इन्वर्ट आता है और ये कुछ बटन है उसको ख़रीदने पड़ेंगे, और एक बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एयर हो की प्रोजेक्ट किट जो है आप बना सकते हैं, तो इसके अंदर जो है इसके फॉर्म शीट आ जाते हैं, और इस तरीके से ये बन सकता है, तो ठीक है ना। इसको भी कैसे करना है, उसके वीडियोस या तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी इसके अंदर, और इसका जो मतलब ऐप है उसके अंदर भी मिल जाएगी। फिर रेल वेगन प्रोजेक्ट किट है, तो अगर आपके पास बेसिक किट है तो आपको खाली ये कटिंग्स जो है उसको ही ख़रीदना रहता है, तो उसका प्राइस है 169 रुपीज़। सेम तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोजेक्ट का किट बनानी है, तो उसके अगर बेसिक किट है तो फिर आपको खाली ये कटिंग 99 रुपीज़ का लेना है, ठीक है। सेम तरीके से ड्राइंग मशीन किट बनानी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगेगी। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास बेसिक किट है तो ये सब चीज़ें होगी ही होगी, ठीक है ना। तो फिर आप 229 रुपीज़ का ये कटिंग्स जो है, ये पार्ट्स ये दिख रहे हैं, वो सब आपको लेने होंगे इसको बनाने के लिए। सेम तरीके से जो है आपको मार्बल आर्केड गेम किट बनानी है, तो 399 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा अगर आपके पास बेसिक किट है। तो उसके बाद जो है अगर आपके पास केबल कार प्रोजेक्ट किट है,
सॉरी केबल कार प्रोजेक्ट किट आपको बनानी है, और अगर आपके पास बेसिक किट है तो आपको 179 रुपीज़ का ये सब जो फॉर्म शीट कटिंग है वही आपको लेना पड़ेगा, और एक आई थिंक दोरी और ये सब आ जाएगा इसके अंदर। फिर मंचिंग स्पैरो किट 199 रुपीज़ की है, बेसिक किट है तो आपको ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर DIY LED नेम प्लेट किट है, तो यहाँ पे जो है इसकी एक्रेलिक शीट जो है आप चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ 199 रुपीज़ में आपको ये बेसिक किट है तो वो सब चीज़ें मिल जाएगी। वायर गेम प्रोजेक्ट किट है तो ये 299 रुपीज़ में है। तो ये सब चीज़ें आपको अगर बेसिक किट है तो ये सब चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं, खाली आपको ये सब कटिंग्स जो इसके एक्स्ट्रा लगते हैं वही लेने हैं। ये 199 रुपीज़ में जिराफे किट, क्लैपिंग हैंड किट 199 रुपीज़, फिर ये ड्रमर रोबोट है 229 रुपीज़ के अंदर, स्मार्ट गोगल्स प्रोजेक्ट किट है तो इसके अंदर जो है अल्ट्रासाउंड सेंसर जो है सोनार लगेंगे, आई थिंक वो जो है बेसिक किट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको वो आई थिंक लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली मुझे भी दिख नहीं रहा है बेसिक किट के अंदर है कि नहीं है। ओके, वो सोनार जो है वो नहीं है बेसिक किट के अंदर, वो आपको लेने पड़ेंगे। तो इसकी प्राइस जो है 778 रुपीज़ हो जाती है। अगर आप बाकी ये बज़र और ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड सेंसर नहीं है उसके अंदर, मे बी अभी नया इन लोगों ने कोई किट लॉन्च किया और उसके अंदर इंक्लूड किया है तो पता नहीं है, बट अभी तो इसमें दिखा नहीं रहा है। फिर ये स्नोमैन प्रोजेक्ट किट है 229 रुपीज़ में, एंड्रॉयड रोबोट किट है 199 रुपीज़ में, और ये रेल वैगन फिर से आ गया। फिर टी रैक्स डायनासोर किट है 299 रुपीज़ में, और इसके अंदर भी डिस्टेंस ब्लॉक और वही सब है जो कि ऑलरेडी है। फॉलो मी कार्ट है और इसके अंदर भी सभी चीज़ें हैं, डिस्टेंस ब्लॉक इसमें एक और लगता है तो आपको वो एक ख़रीदना पड़ेगा, बाकी ये सब तो है ही है। और लास्ट में जो है ये ड्रॉक किट है, इसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं अभी इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इसके अंदर आपको जो है खाली असेंबली करनी है, बाकी तो सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी आती है। फ्लाइट कंट्रोलर जो है पूरा ये किट है, और उसका फ्रेम है, प्रोपेलर रिमोट रिमूवल टूल है, बैटरी है, ये सब चीज़ें हैं, इसको खाली असेंबल करके आपको ये बनाना है। तो ये एक्चुअल में स्टेम बेस्ड लर्निंग शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, और काफ़ी महंगा है तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं। उसके अलावा DIY साइकिल किट है, तो ये भी आप बेसिक किट अगर है तो बना सकते हैं। टचलेस हैंड सैनिटाइजर प्रोजेक्ट किट है, इसको भी जो है बोतल को आपको ख़रीदना पड़ेगा, या तो आप घर के अंदर भी कोई बोतल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 749 की है। ओके, और एड्रिनो किट जो कि ऑलरेडी हमने आगे दिखा दिया था। तो ये सब चीज़ें जो है करने के बाद, मतलब कि बेसिक किट और उसके थ्रू जो है ये सभी आप प्रोजेक्ट कर लें, और उसके बाद जो है वायरलेस प्रोजेक्ट्स जो है उसके अंदर जा सकते हैं। वायरलेस कहाँ गया, ये वायरलेस के 3 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे इसके अंदर आपके बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, और इससे बहुत सारे फ़ायदे जो है बच्चों को होने वाले हैं। मतलब इसकी कोई गिनती ही नहीं है, भले आपको लगेगा कि भाई खर्चा बहुत हो रहा है, बट ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप पढ़ाई में 1-1 लाख रुपए साल का देते हैं ना, और बच्चे जो है लास्ट में इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, MBA करने के बाद बैंक के क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये आउटपुट मतलब के बच्चों का मिलता है, उससे अच्छा है कि भाई आप जो है ये क्रिएटिव चीज़ में अपने आपके बच्चों को लगाएं और इंडिया को जो है वर्ल्ड का लीडर बनाने में मदद करें। तो यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली इसका सभी ये प्रोडक्ट्स जो है इसका मैंने थोड़ा सा टोटल आउट किया है, तो ये आप देख सकते हैं 13,000 या तो 12,000 के आसपास जो है आपको पड़ेगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके मंगाएं, ऐसा नहीं है कि सब मंगा लें, सबसे पहले मतलब बेसिक किट जो है उसको मंगा लें, बाकी ये रेसिंग ये सब चीज़ें आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और वायरलेस किट, वायरलेस के ये 2 प्रोजेक्ट मंगा रहे हैं, तो ये किट भी आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भी आ जाएगा सब। और बाकी ये सब जो है इसको आप जो है मंगाएं, 100% मंगाएं, ठीक है ना, और मतलब पहले ये सब मंगा लें बारी बारी करके, तो एक साथ भी मंगा सकते हैं, इसको और इसको साथ में मंगा लें, और ये सब हो जाए, आपके बच्चे इसको अच्छे से समझ ले, वायरलेस को अच्छे से समझ ले, फिर लास्ट में जो है ये वाली किट आप मंगवा लें, जिससे कि बच्चे जो है धीरे धीरे ये सब मतलब प्रोजेक्ट्स जो है उसमें प्रोग्रामिंग करना भी सीखना शुरू कर मतलब कर सके, जिससे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है वो भी आपके बच्चे आराम से कर सके। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, और भी आपकी कोई क्वेरी है विट ब्लॉक्स के रिलेटेड, रोबोटिक्स के रिलेटेड, और स्टेम बेस्ड लर्निंग के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ऑसम, स्टे क्रिएटिव, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।